मेरा नाम मुबीन अहमद है। मैंने अभी रिसेंटली नैफटेक से AI का कोर्स किया है। मेरा ड्रीम था कि मैं AI में कोई ना कोई कोर्स कर लूँ किसी भी लैंग्वेज के साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी प्राइसेस तो बहुत एक्सपेंसिव थी। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। नैफटेक के थ्रू इन्होंने एक कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें AI भी करवाया जा रहा है। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद NFC IET यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर एडमिशन हो गया। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे मालूम हुआ कि नैफटेक ने ये कोर्स खुद ही प्रिपेयर किया है और उसके बाद लैब्स भी बहुत हद तक यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई। सिस्टम्स हमारे पास बहुत अच्छे थे। अगर हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कहीं करता या प्राइवेट कोर्स पेड करके भी करता तो मुझे ये चीज़ें ये फैसिलिटीज़ ना दी जाती। यहाँ पे बेस्ट कैरियर काउंसलिंग की गई हमारी। हमारे इंचार्ज ने हमें बताया कि इन फ्यूचर आप कहाँ कहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हो, कितनी आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से मोटिवेट होने के बाद हमने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया यहाँ पे, और इसके अलावा ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं और डिफरेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं। मैं तो खुद तो अर्न कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है उनको मैंने सैलरी बेस पर रखा हुआ है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में उनका साथ दे रहा हूँ। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने यूथ के बारे में इतना कुछ सोचा है और उनको मालूम है कि एक स्किल्ड यूथ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वज़ीर तालीम शफकत महमूद, कामयाब जवान प्रोग्राम और नैफटेक के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हूं मुबीन और मैं हूं कामयाब जवान। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए से मुल्क भर में 1,70,000 नौजवानों को नैफटेक के साथ रजिस्टर्ड सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल स्किल्स और हाईटेक ट्रेनिंग से आरास्ता करने के लिए कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स की फराहमी और जदीद इंस्टीट्यूट्स का क्याम, क्योंकि हमारा यकीन है कामयाब जवान बनाएंगे कामयाब पाकिस्तान।